फ्रेंड्स, अगर आपके पास सैमसंग का किसी भी मॉडल है, जैसे सैमसंग A20, A50, A30 और किसी भी मॉडल हो, तो इस वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से सैमसंग मोबाइल में आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को एनेबल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये पहले से नहीं पता है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और वीडियो पसंद आने से प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपने इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जेबी टेक न्यूज़। फ्रेंड्स, फिलहाल मेरे हाथ में जो फ़ोन है ये है सैमसंग A20। और फ्रेंड्स, ये ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग एनेबल करने के लिए आपको किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ज़रूरत नहीं है, तो ये काम आपका मोबाइल का सेटिंग वगैरह यूज़ करके आसानी से आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके पास सैमसंग का जो भी मॉडल है तो उसे आप फास्ट ओपन कर लीजिए, और सबसे पहले आपको ढूंढना है आपका फ़ोन डायलर। और फ्रेंड्स, ये काम आपका फ़ोन डायलर यूज़ करके भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपका सेटिंग में जाके आप सिंपली सर्च कर सकते हैं कॉल सेटिंग। तो मैं यहाँ पर मेरा जो फ़ोन डायलर है उसे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे आप उसे ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से कुछ इंटरफेस दिख जाएगा, और सबके नीचे आपको दिख जाएगा कीपैड, रिसेंट एंड कॉन्टैक्ट। और फ्रेंड्स, अगर आप सबके ऊपर में देखेंगे तो राइट साइड में आपको ये 3 डॉट दिख जाएगा, और इसके ऊपर टच करते हुए आपको मिल जाएगा सेटिंग, और इस सेटिंग के अंदर ही आपको दिख जाएगा आपका कॉल रिकॉर्डिंग एनेबल करने के लिए ऑप्शन। और फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो कॉल रिकॉर्डिंग ये पहले से डिजेबल किया हुआ है, तो बेसिकली ये डिजेबल रहते तो आपको उसे एनेबल कर देना है। तो जैसे आप उसे एनेबल कर देंगे नीचे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपको दिख जाएगा, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं उसे पढ़ सकते हैं, अदरवाइज नीचे से उसे कंटिन्यू कर दीजिए। तो जैसे आप उसे कंटिन्यू कर देंगे तो आपका मोबाइल में ये ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग एनेबल हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा और एक ऑप्शन, स्टोरेज लोकेशन। और फ्रेंड्स, इस ऑप्शन में जाके आप आपका रिकॉर्डेड कॉल को आप कहाँ पर स्टोर करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप स्टोरेज लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही है, और मुझे उम्मीद है इस वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। सो प्लीज़ इस वीडियो का एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपने इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो लेकर अगर कुछ कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, और इस वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।